तो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बनाना मिल्क शेक। बनाना मिल्क शेक बनाना बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो आपके बनाना मिल्क शेक बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाना ले लिए, यानी कि केले को ले लिए, और केले को अच्छे से छील लेते हैं। तो बनाना को छील कर हम प्लेट में रख लेते हैं इस तरह से। ऐसे सारे बनाने को छील लिए हैं, और छीलने के बाद अब क्या करते हैं कि इसको हम चाकू से कट कर लेते हैं। कट करने से है कि हमें पीसने में आसानी होगी। तो ये देखिए, कट कर चुके हैं। अब हम मिक्सी जार में डाल देते हैं, और मिक्सी जार में बनाने को डालकर ऊपर से थोड़ी सी दूध डालेंगे। एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालकर इसको पीस लेते हैं। एक दो राउंड चला लिए, तो ये देखिए अभी दिखाते हैं, अभी मोटे हैं, ज़्यादा बारीक नहीं हुए। तो अब क्या करते हैं कि इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, और थोड़ी सी दूध और डाल देते हैं, और डालकर पीसेंगे। इस तरह से ऐसे रुक रुक कर पीसेंगे तो आपके बनाने अच्छे से पीस जाएंगे, और आपके बनाना मिल्क शेक बहुत अच्छे भी बनेंगे, मोटे मोटे नहीं रहेंगे। तो ये देखिए, दोबारा से पीसे हैं चीनी और दूध डालकर, तो अच्छे से पीस चुके हैं बारीक से। तब हम क्या करते हैं कि इसमें और बहुत सारा दूध डाल देते हैं, और दूध डालकर इसको चला लेते हैं चम्मच से पहले, ताकि नीचे जो बैठे हुए हैं बनाना वो अच्छे से मिल जाए। और चलाकर इसको फिर से ढक्कन बंद करके फिर से एक राउंड चला लेते हैं। देखिए, तो बनाना मिल्क शेक बनाना बहुत आसान है, बस छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो आपके बनाना मिल्क शेक बहुत अच्छे बनेंगे। एक राउंड फिर से चला लिए, तो ये देखिए इतना गाढ़ा है। हमें इतना ही गाढ़ा रखनी है, ज़्यादा पतले नहीं रखेंगे। अब क्या करते हैं कि एक कांच का गिलास लिए, उसे चॉकलेट क्रीम से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिए, और डेकोरेट गिलास में थोड़ी सी आइस डाल दिए, और आइस डाल के ये जो अभी बनाना मिल्क शेक बना के रखे ना, उसे हम इसमें डाल देते हैं। और हाँ, इसे हमें ज़्यादा पतले नहीं रखनी है, गाढ़े ही रखनी है। पतले रखेंगे तो बनाना मिल्क शेक अच्छे नहीं लगेंगे, टेस्टी नहीं लगेंगे। तो ये देखिए, अगर अचानक से घर में मेहमान आ जाए तो 2 से 3 मिनट बनाना मिल्क शेक बनाकर झट से मेहमान को दे दीजिए। और जब गिलास में डाल दें तो ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल दें। आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, और अगर आपके पास चॉकलेट क्रीम है तो थोड़ी सी डेकोरेट कर दें, ये ऑप्शनल है। तो ये देखिए, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।